goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, ये सब कुछ आपसे छिपा नहीं है। हर दिन समाचार और अखबार के पन्नों पर आप इस चीज को देख रहे हैं। इधर लालू प्रसाद के सियासी पैतरे से विपक्ष के पक्ष में माहौल बने या ना बने, किंतु इतना साफ है कि टूट के कागार पर खड़ी कांग्रेस को लालू की चाल से लाभ हो गया है, क्योंकि बिहार के वर्तमान राजनीतिक माहौल में तोड़फोड़ का सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस पर ही मंडराते दिख रहा है। कांग्रेस के बिहार में कुल 19 विधायक हैं, इनमें 12 नए हैं जो या तो पहली बार जीत कर आए हैं या चुनाव से पहले दूसरे दल से पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थामा है। ऐसे विधायकों पर प्रदेश नेतृत्व का पूरी तरह से एतवार नहीं हो रहा है। आशंका तो सार्वजनिक है, मगर समाधान सूझ भी नहीं रहा था। ऐसे में लालू की चाल और सियासत के मौजूदा हाल से कांग्रेस को फिलहाल राहत है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस विधायकों को डर है कि उछल कूद करने से उनका दांव उल्टा पड़ सकता है। भाजपा और जेडीयू में अगर खटपट बढ़ी, आरजेडी के कोशिशों को कामयाबी मिली, तो पार्टी बदलने से नुकसान ही होगा। इसलिए व्याकुल विधायक भी मौके के इंतजार के पक्ष में हैं। बिहार में तोड़फोड़ में विश्वास करने वाले दल कांग्रेस को सबसे आसान लक्ष्य इसलिए मानते हैं कि यह पहले तो कई बार टूटती रही है। अभी करीब 2 साल पहले बिहार में जिन कांग्रेस को बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, उनके नेतृत्व में एक धड़ा टूटकर नीतीश कुमार के साथ चला गया था। अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को उन्होंने अच्छी खासी बढ़त भी दिलाई थी, 4 से 27 पहुंचाया, लेकिन आलाकमान की उपेक्षा ने उन्हें इस तरह आहत किया कि उन्होंने दूसरा ठिकाना तलाशना ही मुफीद माना। अशोक चौधरी की संगठन क्षमता को देखते हुए नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। माना जा रहा है कि पुराने संबंधों के चलते कांग्रेस के कई लोग अभी भी उनके संपर्क में हैं। कुछ विधायकों की वफादारी नीतीश के प्रति भी है, पर जदयू की मंशा अभी तोड़फोड़ से दूर रहने की है। विधानसभा चुनाव से पहले भी प्रदेश में कांग्रेस टूट की कगार पर थी। हालांकि हालात ने बचा लिया, पर ग्रह नक्षत्रों का असर कभी भी विपरीत पड़ता है। अभी जब तक बिहार में उथल पुथल की राजनीति चल रही है, तब तक कांग्रेस को खतरा नहीं है, लेकिन हालात अगर पहले 5% के लिए स्थिर हो गए तो कुछ प्राप्त करने की आस लगाए विधायकों को रोक कर रखना कांग्रेस के लिए आसान भी नहीं होगा। इसी प्रकार की राजनीतिक खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।